हेलो, वेलकम बैक टू टर्बो ट्यून। दोस्तों, इस साल के 4 महीने पता ही नहीं चले कब गुजर गए हैं। 5वें महीने में एंटर करते ही हमारे पास हैं 6 गाड़ियां जो बढ़ा सकती हैं आपके घर की शोभा। तो चलिए जान लेते हैं कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपके दरवाजे की शान हो सकती है। दोस्तों, अपना दिल थाम के बैठिए, मौसम बदलने वाला है, क्योंकि इस महीने के मिड तक मारुति सुजुकी जिम्नी आ सकती है। इस गाड़ी को ऑटो एक्सपो में रिवील किया गया था, जो इंडिया में आ रही है एक फैमिली फ्रेंडली 5 डोर अवतार में, लेकिन दिल से तो रहेगी एक ऑफ रोडर ही। फीचर्स में आपको 9-इंच टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। जिम्नी के साथ आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा और 4x4 स्टैंडर्ड रहेगा। जैसे IPL में गुजरात और लखनऊ टीम की कड़ी टक्कर है, वैसे ही जिम्नी और महिंद्रा थार की भी होगी। हमने इन दोनों कारों का डिटेल्ड कंपैरिजन किया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, पहले से ही ढेर सारी SUVs के बीच में एक और SUV आ रही है हुंडई से, जिसका नाम एक्स्टर रहने वाला है, और ये रहने वाली है वेन्यू से भी छोटी, यानी एक माइक्रो SUV है। हुंडई ने इस गाड़ी को टीज कर दिया है और इसका स्केच डिजाइन भी दिखा दिया है। इसका बॉक्सी डिजाइन रहने वाला है और काफी यूनिक फीचर्स रहने वाले हैं इसके स्टाइलिंग में। फीचर्स में एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, 6 एयरबैग और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें ग्रैंड i10 का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिल सकता है। इसका मुकाबला होने वाला है पहले से ही मौजूद टाटा पंच, सिट्रॉन C3, रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट जैसे माइक्रो SUVs के साथ। यह एनवील अगले महीने हो सकती है और लॉन्च कुछ और महीने बाद। टाटा अल्ट्रोस CNG की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसकी कीमत हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी महीने के मिड तक। इसका सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड पॉइंट है बूट स्पेस, क्योंकि यहाँ आपको बूट स्पेस के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टाटा ने ट्विन सिलेंडर का यूज़ किया है, जिसकी प्लेसमेंट बहुत ही शानदार तरीके से की गई है, जिस कारण आपको बूट स्पेस अच्छा खासा मिलने वाला है। टाटा अल्ट्रोज में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल CNG इंजन मिलेगा, जो आपको 25 km/h तक का माइलेज दे सकता है। इसके टक्कर में रहने वाली है टोयोटा ग्लांजा और मारुति सुजुकी बलेनो, जिनका क्लेम माइलेज है 30 km/h का। दोस्तों, किया सेल्टोस को एक फेसलिफ्ट अवतार में हम मई के एंड तक देख सकते हैं। प्राइजेस तो अनाउंस नहीं होंगे, लेकिन कुछ डिटेल्स जरूर आ सकती हैं। नई सेल्टोस का डिजाइन अभी वाली सेल्टोस से काफी अलग रहने वाला है और इसका लुक ज्यादा प्रीमियम रहने वाला है, और इसके इंटीरियर में भी हम एक फ्रेश स्टाइलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फीचर्स में आपको डुअल 10.25 इंच की टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पैनारोमिक सनरूफ, एडास जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें आपको सेम 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन मिल सकता है, लेकिन इसमें नया 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो बर्ना और कैरेंस में भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप किस गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, मारुति सुजुकी की जिम्नी, किया सेल्टोस या हुंडई की एक्स्टर का? कमेंट करके जरूर बताना। हमारा अगला वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और हमारे टर्बो ट्यून चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।